हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पड़ोसन को कैसे पढ़ाएं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी दिल अपनी पड़ोसन के लिए धड़कता है? आप रातों को जगते रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, करवटे बदलते रहते हो, तो आपकी इस परेशानी का इलाज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ कि पड़ोसन को कैसे पढ़ाएं, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल लाल बटन को दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन इसे भी दबा लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पड़ोसन को पटाने के लिए सबसे जरूरी होगा कि आपके पड़ोस में रहती है तो थोड़ी बहुत तो आपकी जान पहचान होगी। तो इस दौरान आपको अगर उन्हें पटाना है तो आपको उनको हेल्प ऑफर करनी है, ना वो चाहे या ना चाहे आप उन्हें हेल्प ऑफर करें। किसी भी तरह से अगर वो काम कर रही है तो आप उन्हें हेल्प के लिए पूछ सकते हो कि आपको हेल्प चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके सामने आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, वो आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोचेंगे, आपको ये सोचेगी आप एक अच्छे इंसान हो या फिर एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, इस तरह से आपको उनके सामने एक अच्छी इमेज बनानी है। तो पड़ोसन को पटाते समय आपको सबसे पहले तो यही काम करना होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पड़ोसन को जब आपको पटाना है तो इसके बाद आप ये करें कि आप जो है उनके साथ थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाएं और जान पहचान बढ़ाएं। इसके अलावा धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप उनके बारे में और भी जानें। जब आप उनके साथ हों तो अच्छे से उनकी बातों को सुने, उन्हें इंपॉर्टेंस दें या फिर उन्हें स्पेशल फील कराएं। उन्हें ये लगना चाहिए कि आप उनकी वैल्यू करते हो या फिर वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि आप उनको अच्छे से सुन रहे हो या फिर वो अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं। इस तरह से आपको उनको फील कराना है, उनकी बातों को अच्छे से सुनना है। इससे क्या होगा कि जब जैसे जैसे आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। किसी भी इंसान के साथ जब आप ज़्यादा वक्त बिताते हो तो ना चाहते हुए भी वो आपसे अटैच हो जाता है, उसको आपकी एक आदत हो जाती है, वो आपसे बात भी किए बगैर या फिर आपसे मिले बगैर रह नहीं पाता है। तो इसी बात का फायदा आपको उठाना है कि आपको उनके साथ ज्यादा से वक्त बिताना है और थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाना है। तो इस चीज का भी हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि पड़ोसन को पटाने के लिए आप उनकी तारीफ कर सकते हो। किसी भी चीज की तारीफ जरूर करो। जब भी आप उनसे मिलते हो तो आपको तारीफ जरूर करनी है, कॉम्प्लीमेंट देना है, बातों को घुमा फिरा के आप उनकी तारीफ करो जिससे उन्हें अच्छा लगे। क्योंकि ये बात जरूर है कि शादी के बाद कुछ साल तक तो उनके हस्बैंड उनको ज्यादा टाइम देते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, जैसे साल बीतते जाते हैं, उनके हस्बैंड का जो इंटरेस्ट है ना अपनी वाइफ में खत्म हो जाता है। और इसी बात का फायदा आपको उठाना है कि जब भी आप उनसे मिलो एक चीज की तारीफ जरूर करो। इससे क्या होगा कि वो हमेशा ही आपसे मिलते समय उनको हमेशा लगेगा कि आप उनके लिए तारीफ जरूर करोगे। इससे और भी ज्यादा वो सुंदर बनने की कोशिश करेंगी या फिर अपने आप को और भी अट्रैक्टिव बनाएंगी ताकि आप उनकी तारीफ करो। इससे धीरे धीरे वो आपसे और भी ज्यादा अटैच होने लगेंगी। अगला पॉइंट है कि पड़ोसन को पटाने के लिए आप उनसे बात करते समय हम मौज मस्ती कर सकते हो, बीच बीच में हंसी मजाक कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत मजाक भी कर सकते हो, फ्लर्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, लेकिन इतना फ्लर्ट करना है, लिमिट के बाहर नहीं जाना, लिमिट में रहकर उनसे फ्लर्ट करना है या फिर हंसी मजाक करना है ताकि उनको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। मतलब कि आप जो है मजाक के जरिए, फ्लर्ट के जरिए आप अपनी फीलिंग्स को बता सकते हो। वो इतनी एक्सपीरियंस है कि वो आपके मजाक को अच्छी तरह से समझ जाएंगी कि आप कहना क्या चाहते हो और आप क्या चाहते हो उनके बारे में, उनके बारे में क्या फील करते हो। तो फ्रेंड्स, सभी टिप को अच्छे से आप फॉलो करते हो ना तो आप अपने पड़ोसन को आसानी से पटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।